आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया। वहीं बुधवार को ईडी ने अपनी दलीलें पूरी की। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा दी जाने वाली खंड दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय कर दी। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख भी तय कर दी। वहीं 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।